गुड आफ्टरनून। टुडे वी विल डिस्कस एलर्जी। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इज ए रिएक्शन बाय आवर इम्यून सिस्टम टू समथिंग, जैसे पॉलेंस, डस्ट, माइट्स। आजकल हमारा एलर्जी वीक भी चल रहा है। 18 जून से 24 जून हर साल हम लोग अपना एलर्जी वीक बनाते हैं। एलर्जी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो डे टू डे के अंदर डेली पेशेंट्स हमारे पास एलर्जी के बहुत कॉमनली आते हैं। एलर्जी कई तरह से हो सकती है, जैसे एयरबॉर्न एलर्जी, सर्टेन फूड से एलर्जी, इंसेक्ट बाइट से एलर्जी, कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी बहुत कॉमनली मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड नट्स, पीनट्स, व्हीट, एग, मिल्क, इस तरह के काफ़ी फूड्स कई बार पेशेंट्स एलर्जिक सिम्टम्स लेके आते हैं। एलर्जी के जो मेन सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर पेशेंट जब आएगा हमारे पास, तो सबसे पहले वो इचिंग, रेडनेस, लाल लाल चकत्ते शरीर पे होना, अनकंफर्ट होना, कई बार बॉडी के कई पार्ट पे स्वेलिंग का होना, पेशेंट इस तरह की कंप्लेन लेके हमारे पास आता है। इस एलर्जी में जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को मेनली कंप्लेन होती है शरीर पे इचिंग बहुत ज़्यादा होना, लाल लाल चकत्ते जिसको हम दाफड़ या आर्टिकेरियल प्लाक्स जिसको बोलते हैं, वो लेकर के पेशेंट आता है। कई बार पेशेंट लिप के अराउंड स्वेलिंग, आंखों के आसपास सूजन होना, लाल लाल चकत्ते हाथों पैरों पे लाल लाल चकत्तों का होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट आते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अपने आसपास जो भी स्किन स्पेशलिस्ट हों उनसे कंसल्ट करके जो भी मेडिसिन हों लेने चाहेंगे। पेशेंट को एडवाइज़ होता है कि अगर पेशेंट को एलर्जी हो रही है तो उस समय पेशेंट रिलैक्स रहे, अपना रूम टेम्परेचर, अगर एसी में रहे तो कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा, अगर उसके पास एसी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को अपना फ़ैन चला करके अपना ठंडे एटमॉस्फेयर में रहे, वो बहुत ज़्यादा सनलाइट में, बाहर आउटिंग में, डस्ट में, धूल में अवॉइड करे जाना। पर्टिकुलरली जो कुछ फूड के आइटम्स हैं जैसे कि एग है, मिल्क है, अगर पेशेंट को इन चीज़ों से एलर्जी हो रही है उनको ना ले, पानी खूब पिए, साथ में बॉडी पे कैलामाइन लोशन वगैरह अपना लगा सकता है, और पेशेंट जो है लूज़ कपड़े, ढीले कपड़े पहने। अगर उसके बाद भी पेशेंट को कंप्लेन होती है तो बेटर है कि वो अपने आसपास जो भी स्किन स्पेशलिस्ट हों उनसे कंसल्ट करके उस एलर्जी को रिलीव करवाए। तो बस एलर्जी के अंदर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पेशेंट को तुरंत ही अपना स्किन स्पेशलिस्ट से राय लेनी चाहिए। थैंक यू।